एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने महानगर की यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए सड़क के किनारे अतिक्रमण किए हुए ठेला खोमचा वालों के साथ ट्रांसपोर्ट नगर चौकी पर बैठक की गई, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने स्ट्रीट वेंडरों से अनुरोध करते हुए कहा कि वह सड़क के किनारे अतिक्रमण ना करें, नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थान पर ही ठेला खोमचा लगाएं, जिससे कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने बताया कि नागरिकों ने व्यापारियों ने पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन व्यवस्था को लागू किया जाएगा तथा सड़क पर दुकान लगाने वालों ने भी आश्वस्त किया है कि वह लोग सड़क के किनारे ठेला वगैरह नहीं लगाएंगे और ना ही किसी प्रकार का अतिक्रमण करेंगे। बैठक के दौरान क्षेत्राधिकारी कोतवाली विमल कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात जयप्रकाश सिंह, राजघाट थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय तथा ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज अनूप तिवारी भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, श्रीमान एसपी ट्रैफिक महोदय सर हम लोगों के बीच में हैं और मैं चाहूंगा कि सर आप सीधे संवाद आपसे करेंगे और आपका भी अगर कोई सुझाव है, कोई बात है, आपके अंदर कोई बात है, व्यवस्था पे कोई दिक्कत ना हो और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर आप अपना अनुभव शेयर करें और सभी को बताएं सर क्या दिशा निर्देश है। जी कब तक आप लोगों की ठेलियां लगी रहती है और उसके बाद लोगों को सामान खरीदने का जगह नहीं रहता है। अभी जो भी सड़क के किनारे वेंडर के लिए जो जगह बने हुए हैं, आप देखे हुए सड़क के किनारे शेड बने हुए हैं, बहुत लंबे चौड़े शेड हैं जो कि नगर निगम द्वारा बनाया गया है। अगर उस शेड में आप अपना सभी लोग अगर दुकान शिफ्ट कर लेंगे तभी लोग आएंगे, ऐसा नहीं है कि 90% लोग शिफ्ट हो जाएंगे, 10% लोग रहेंगे फिर वही दिक्कत आएगी। जब सभी लोगों का सहयोग होगा, सभी लोग उसमें शिफ्ट करेंगे, तो ये जो सड़क की जो यातायात व्यवस्था है, जब सड़क चौड़ी भी हो रही है तो सबको दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम ही लोग आते हैं, आपके भी रिश्तेदार परिवार के सब लोग आते हैं, इमरजेंसी में हॉस्पिटल भी जाना रहता है और जगह ट्रेन भी पकड़ने जाना रहता है, तो इस चलते जो जाम की समस्या है उससे निजात मिलेगा। इससे बार बार आप लोग यही कहा जा रहा है कि उसमें शिफ्ट करिए, बहुत अच्छा जगह है, धूप से, गर्मी से, पानी से, पुलिस के रोज मतलब इधर हटाओ उधर हटाओ, इस सारी चीज़ों से आप लोगों का बचाव रहेगा। चलान हो जाता है तो नुकसान सबका होता है, उसमें आपको भी बुरा लगता है, गाड़ी वाले को बुरा लगता है, हम लोग न चाहते हुए भी करना पड़ता है। तो बाकी साहब इसी के लिए आए हैं कि आप लोगों की समस्या का निदान। दुकान बनी है तो दुकान को उनको जगह नहीं मिला, उनको जगह मिल गया, अब उसमें इतने ही लोग आ पा रहे हैं, इतने ही ठेला आ पा रहा है। सब बाएं जाते हैं, दहने आते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग नहीं लगाते हैं अंदर। सब बाएं से आके सब निकल जाते हैं, दहने कोई कहाँ के आए नहीं गया था। हेलो, हाँ काम कर रहे हैं सर, और चूंकि रोड के किनारे साहब अपना कारोबार करते हैं, जो भी यहाँ से जनता जाती है जो ही उसी रास्ते जाती है बाएं साइड से, और इधर आउट जगह मान लीजिए दाहिने साइड हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट नगर में, तो सर पब्लिक उसमें केवल ये सब्जी और मीट मछली यहाँ चल सकता है और फल की दुकानें साफ नहीं चल सकती है यहाँ। यही हम लोग के मतलब समस्या है और कोई समस्या नहीं बढ़ी है। जैसा बताया गया 280 आठ शेड हैं, उनके अंदर 280 ठेला लगाने की व्यवस्था है और इस पूरे पंडाल में यहाँ पर पूरी सभा में 280 लोग मौजूद नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं भी आए होंगे, पर एक बार आप लगाने की कोशिश करेंगे लोग वहाँ जाएंगे इसलिए जिसको मीट मछली लेनी है वो सबसे पीछे लगाए, मीट मछली कुछ लोग नहीं खाते हैं, उसके बाद सब्जी वाला लगाए, उसके बाहर फल वाला लगाएं, इस प्रकार से आप लगाएं, जिस आदमी को जिस सामान की जरूरत है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेगा, पर आप पीछे जाएंगे उसको पता होगा दुकान यहाँ है, आप क्यों आगे लगाते हैं, क्यों रोड पर लगाते हैं, आप रोड पर एक दूसरे से आधा फुट आगे करते करते काफ़ी आगे आ जाते हैं और वो आधा फुट आगे इसलिए लगाते हैं कि जो आदमी जा रहा है वो पहले आपसे खरीद ले, जो आगे वाली ठेलिया है उससे पहले खरीद ले, केवल मन में ये धारणा बनी हुई है कि हम पीछे जाएंगे तो हमारी बिक्री कम हो जाएगी,
आप लोगों का आपस में कंपटीशन है। अब ये बताइए, जैसे कपड़ा बाजार है, मंडी का सामान जहाँ मिलता है या जहाँ राशन मिलता है, थोक के राशन की दुकानें हैं जहाँ पे, तो जहाँ जिस प्रकार की दुकान है आपको सामान लेना है तो आप उसी मंडी में जाते हैं ना, आपको सगाफा लेना है तो सगाफा बाजार में जाते हैं ना, तो जिसको फल लेना होगा वो फल मंडी में अंदर जाएगा, शेड में जाएगा, जिसको सब्जी लेनी होगा वो सब्जी मंडी में जाएगा। मंडी क्षेत्र में जो यहाँ पे ठेले खोमचे वाले जो छोटे व्यापारी हैं, उन सम्मानित व्यापारियों के साथ यहाँ पर बुला के गोष्ठी की गई और उनसे ये अनुरोध किया गया कि आपके लिए जो वेंडिंग जोन नगर निगम द्वारा चिन्हित किया गया है वहाँ पर अपनी दुकानों को ले जाएं, वहाँ व्यवस्थापित करें, जिससे कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और इस व्यवस्था में नागरिकों ने, व्यापारियों ने पूरे सहयोग का हमारे लिए आश्वासन दिया है कि वो सहयोग करेंगे। अभी वो स्थल अपना देख लें, जल्दी ही इस व्यवस्था को शीघ्र ही लागू किया जाएगा।